सकते हैं। तो भाई सही बता रहा हूँ, ये दोनों लोग की जान किसी कीमत पे नहीं बचती। बट ठीक है, अच्छी बात थी भाई, उनके पास भी अच्छे वेपन्स नहीं थे और हम लोगों ने भी अपनी पिस्टल का सही इस्तेमाल करके जैसे तैसे उन लोग को मार डाला और इनको बचा लिया। बट अगर इसी तरीके से चलता रहना तो यार अपने को बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। फिलहाल अभी ये दोनों लोग ट्रक लेकर हमारे पीछे आ रहे हैं। जिस जगह पे हमें जाना है वो जगह लॉस सैंटोस में ही है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। उस जगह पर मैं एक दो बारी पहले गया हूँ, आप लोग भी उस जगह को सही से पहचान जाओगे। फिलहाल जल्दी से पहुँचते हैं, मलेस्टर को कॉल करके बोलता हूँ कि यार अपने को बहुत ज़्यादा खतरा है ये गोल्ड के बिजनेस में। डगन बॉस के बंदे हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो या तो हम लोग उनको निपटा दें, और उनको निपटाने के लिए हमें चाहिए होंगे वेपन्स जो कि लेस्टर ही जुगाड़ करवा पाएगा। और वेपन्स यार सच्ची में भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी सेफ्टी के लिए भी। तो जल्दी से मैं लेस्टर को कॉल करके वेपन्स के लिए बात करता हूँ। तो आज रात न्यू ईयर पार्टी के लिए मैंने अपने हर एक फ्रेंड को प्लस माइकल की फैमिली को भी इन्वाइट कर दिया है। अब बस सारे के सारे आ जाए तभी फुल मौज मस्ती होने वाली है। बाकी अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ लॉस सैंटोस, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार वो ट्रक कहाँ पर रह गए। मैंने यार गलती से पतली पतली गलियों से अपनी गाड़ी को भगाता हुआ ले आया, बट मैंने बाद में मेरे को ध्यान आया कि मैंने उन ट्रक वालों को बोल रखा है मुझे फॉलो करने के लिए, बेचारे वो उन पतली गलियों में फंस गए होंगे। थोड़ा सा वेट कर। तो नहीं भाई, ये लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया ड्राइवर है, देख रहे हो, रेड लाइट वगैरह कुछ नहीं दिख रहे, बस सीधा भगाते हुए आ रहे हैं। आखिरकार लेस्टर ने जो बंदे भेजे भाई के पूरा काम आएंगे। लेट्स गो, जल्दी से पहुंचने, अभी काफ़ी ज़्यादा पहुंच चुके हैं हम लोग उस लोकेशन के पास में। अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर इस फैक्ट्री पे पहुंच चुका हूं, और आप लोग मानोगे नहीं कैसी कैसी घटिया घटिया गली से मैं अपनी गाड़ी को लेकर आया हूं। काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है यार अभी ये, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, काम के लिए सब कुछ हाजिर है। फिलहाल इस फैक्ट्री का जो मेन एंट्रेंस का रास्ता है वो ये वाली गली है। जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर राइट मोड़ते हैं। बाकी अभी बीच रास्ते में मेरी लेस्टर से भी बात हो गई है, और उसने वेपन्स लेने का ना एक बढ़िया जुगाड़ बताया। वैसे आप लोग को नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, इस टाइम अपने पास वेपन्स बिल्कुल नहीं है। जो वेपन्स वो तेरी भाई, उसने पीछे ट्रक ठोक, मैं वही कहूँ इतनी तेज आवाज़ कहाँ से आई, वो देखो भाई उसने ट्रक गलती से वहाँ पर ठोक दिया है। बट कोई नहीं, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर आते होंगे। बाकी हाँ, मैं ये कह रहा था कि लेस्टर ने हमें एक बढ़िया तरीका बताया वेपन्स लेने का, क्योंकि हमारे पास कोई भी वेपन्स नहीं है, बाई चांस किसी से लड़ाई हो जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लॉस सैंटोस की सारी शॉप मिलिट्री कर्नल ने बंद करवा दी थी काफ़ी टाइम पहले। थोड़ी बहुत वेपन्स हमें बिग माफिया के भाई के थ्रू आते थे, बट अभी वो भी बंद हो गए हैं। खैर वो सब छोड़ो, अभी मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये ट्रक वाओ इन्हीं की बात कर रहा था और अब पहुंच गए भाई। इतनी पतली गली भी नहीं थी जो इतनी बुरी तरह ठोक दिया इसने ट्रक को, आगे के दोनों शीशे टूट गए और नीचे का भाई साहब बोनट वाला एरिया तो पूरा ही इसने उड़ा डाला है। फिलहाल अभी जल्दी से फैक्ट्री के अंदर चल के देखते हैं कि आखिरकार काम चल क्या रहा है यहाँ पर। अब बाकी इनको पूरा काम लेस्टर बता देगा। हाँ, तो हम लोग वेपन्स को लेकर बात कर रहे थे। लेस्टर ने ना एक जगह पता करी है जहाँ पर से वेपन्स लॉस सैंटोस में आते हैं, एम्युनिशन शॉप पे जाते हैं, हम लोग वहीं से वेपन्स उठा सकते हैं। बट उठाना नहीं है, हम एक तरीके से चोरी करना है। ट्रेन होती है जहाँ पर ट्रेन कंट्रोल की जाती है ना, हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं और एक ट्रेन को रुकवा के उसमें से वेपन चुराएंगे। काम सुनने में आसान है बट करने में भी आसानी होने वाला है वैसे जहां तक मुझे लग रहा है। फिलहाल ये है वो फैक्ट्री जहां पर लेस्टर ने वर्कर लगवा दिए हैं 2 से 3, बट धीरे धीरे ज़्यादा वर्कर लग जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी गोल्ड मेल्ट हो और हम लोग अमीर बनते जाएं। खैर अपनी रॉल्स रॉयस अभी यहीं पर खड़ी रहने देते हैं क्योंकि मैं वापस थोड़ी देर में यहीं पर, नहीं यार वापस कब आऊँगा, मैं अभी वेपन्स चुराने के लिए जा रहा हूँ। लेस्टर ने यहाँ पर अपने लिए बाइक का इंतजाम करवा दिया है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, वेपन्स चुराने के बाद मैं सीधा यहीं पर आ जाऊंगा और अपनी गाड़ी लेकर जाऊंगा पार्टी में। मैं सोच रहा था लेस्टर यहाँ पर किसी अपने एक बंदे को भेजेगा, बट ये तो खुद आ गया यहाँ पे। तो चलो यार, अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और इसने मुझे पूरा का पूरा प्लान अच्छे से समझा दिया है। खैर अभी इसने मुझे एक बैग दिया है जिस बैग में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और वो है लेस्टर का लैपटॉप। अभी स्टंट मारने के चक्कर में मैं बहुत बुरी तरह ठुक जाता। हाँ, तो इस बैग में है लेस्टर का लैपटॉप, जिस लैपटॉप के थ्रू हम लोग एक बहुत खतरनाक सिस्टम हैक करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, लेस्टर का जो प्लान है वो कुछ इस टाइप का है कि एक ट्रेन है जिसमें वेपन्स लोड होकर आते हैं दूसरी कंट्री से और जाते भी हैं कुछ वेपन्स लॉस सैंटोस से, हमें उसी ट्रेन को रोकना है और उसमें से वेपन्स चुराने हैं। अब जल्दी से चलते हैं सीधा उस जगह पे। वो एक कोई स्टेशन नहीं है, कोई जंक्शन नहीं है, वो एक टाइप का कंट्रोल एरिया है जहाँ पर वेपन लोड होते हैं
और ट्रेन कंट्रोल होती है, उनके सिग्नल्स जाते हैं, जो भी है, इतना मेरे को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे जाके वहां पर बस ट्रेन को रोकना है और वेपन चुराने हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में इस हाईवे पे भगाता हुआ उस लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ और स्टंट मारने में ना यार काफी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि आज बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, अभी अपने मेन काम पे फोकस करते हैं। हम लोग यहाँ पर वेपन चुराने आए हैं। वेपन चुराने के लिए हमें कंट्रोल सेंटर जाना पड़ेगा, बट मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है। खैर एक ये वाला रेलवे ट्रैक जा रहा है, मैं इसी को फॉलो करता हूँ क्योंकि लेस्टर ने मुझे यही लोकेशन दी थी, तो शायद से वाला रेलवे ट्रैक उसी जगह पर जाता होगा कंट्रोल ऑफिस तक। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा सुनसान सा एरिया है और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इस जगह पे मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को ध्यान ही नहीं आ रही है जगह। खैर अभी यहाँ पर हम लोग बाइक से उतरते हैं क्योंकि बाइक अपनी आगे नहीं जा सकती, सामने एक यहाँ पर कैनाल बनी हुई है, बाइक उतारूंगा खाली बिली अटक जाएगी। चुपचाप से यहाँ पर से जंप मार के मैं आगे बढ़ता हूँ। ये फैंस ऐसे टाप लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा कूड़ा करकट यहाँ पर रखा हुआ है। ये एक्चुअली रेलवे का सामान है सारा, यहाँ पर कंट्रोल ऑफिस है, सब चीज़ शायद से यहीं पर कंट्रोल होती है, कोई रेलवे ट्रैक वगैरह खराब हो जाता होगा तो। ओके सामने चार पांच बंदे हैं बट वो तो अपना फार्मिंग कर रहे हैं, वो खैर उनसे मुझे कोई डरने वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा था भाई कौन वहाँ पर उस खेत में बैठा हुआ है। बाकी ठीक है, यहाँ से धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं अपनी गन निकाल के ही रखता हूँ, बाय चांस ये कहीं सिक्योरिटी गार्ड हो, छुप के कुछ इलीगल काम कर रहे हैं और मुझे देख के खाली पीली मेरे ऊपर भारी पड़ जाए। खैर जल्दी जल्दी भाग कर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। ठीक है अभी मुझे इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं एक बार अच्छे से देख लेता हूँ। हाँ इनसे डरने की जरूरत नहीं है और जो कंट्रोल ऑफिस है मैं वहाँ तक पहुँचने वाला हूँ। सामने से एक ट्रेन जा रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया व्यू आ रहा है। लेफ्ट साइड से नहीं, मुझे ना ये रेलवे ट्रैक से जाना चाहिए, क्या पता बैक साइड से कोई एंट्रेंस हो, अपना काम ईजिली हो जाएगा। खैर एकदम सुनसान जगह यार, मुझे ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक गेट है जो कि पता नहीं ओपन होगा या नहीं। खैर मुझे एक मस्त गन मिल चुकी है भाई यहाँ पर, सच्ची में वेपन्स का काम होता है। बट वेट यहाँ पर बंदे हैं जो कि बात कर रहे हैं। अब यार देखो मुझे वेपन्स चाहिए तो मुझे इन लोग को मारना ही होगा, फटाफट से इसको उड़ाता हूँ। दूसरे को भी मैंने यहाँ पर उड़ा दिया है, एक और बचा दी मैंने इसके। बट वेट पीछे से यहाँ पर और लोग आ गए, मुझे अभी भागना होगा भाई। मुझे लग रहा था कि ये दो ही लोग हैं और भैंस की टांग निकल यहाँ से तेरी, सामने से ये पता नहीं कब में आ गया। खैर ठीक है मुझे अभी भाग के यहाँ से पीछे की तरफ में जाना होगा। वेट बस यहाँ पर अंदर कोई ना आए, चल तेरी ऐसे की तैसे। उसके पीछे कवर लेकर खड़ा था, उससे लगा मैंने उसे देखा नहीं। बाकी यहाँ पर जितने लोग थे शायद मैंने सबको नहीं मारा, सामने भी दो तीन लोग है भाई। वेट बहुत ज्यादा गलत सीन है और मेरे को पुलिस के गाड़ी के भी सायरन का साउंड आ रहा है। नहीं यार अभी ये सब ड्रामेबाजी मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम करने आया हूँ, उसके चक्कर में मैंने यहाँ पर कितने सारे गार्ड्स मार दिए। इतनी सिक्योरिटी यहाँ पर क्या कर रही है भाई, पक्का यहाँ पर बहुत ज्यादा ही वेपन्स होते होंगे तभी इधर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लगा रखी है। खैर उधर से एक बंदा मार रहा था बट अभी मुझे दिख ही नहीं रहा है। हाँ तो इधर जो बंदा बैठा था, चलती रही ऐसी की तैसी, मैं इतनी देर से वेट कर रहा था अब निकले और जैसे निकला मैंने उसके बजा दिया। खैर मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो मारा जा चुका है और अभी मामला पूरा शांत है। मुझे एक बार ही ना पहले अगल बगल एरिया चेक कर लेना चाहिए। खैर यहाँ पर शायद से कोई नहीं बचा, फटाफट से इस जगह के मीन्स इस ऑफिस के अंदर चलते हैं और यहाँ से मुझे एक ट्रेन को बुलाना होगा जैसा मेरे को लेस्टर ने कहा था। ओके गाइस तो अभी मैं ऑफिस के अंदर आ चुका हूँ। बट वेट यहाँ पर तो एक सिक्योरिटी गार्ड है बट लकीली वो बेचारा सो रहा है, इसके तो भर के मुक्का ही पड़ने वाला है अभी। हाँ बेटा ड्यूटी पे सो कैसे रहो आप? ओ नहीं गन अंदर रख भाई, सब मारने लगे। रुक जाओ अब ये बहुत बुरा पिटेगा। ले बेटा गन मेरे पास भी थी, ठीक है ना, लेट्स गो। अभी मैंने इसे मार दिया है और अभी मुझे ना यहाँ पर ये जो कंट्रोल पैनल है इसको हैक करना होगा जो कि मुझे लेस्टर ने लैपटॉप दे के भेजा है। फटाफट से इसे हैक करते हैं, गेट ओपन करते हैं, यहाँ के सारे सिक्योरिटी कैमरा उसको ऑफ करते हैं, सारी फाइल डिलीट वगैरह सब हो जाएगा इसको हैक करने के बाद और हम लोग ट्रेन को भी बुला पाएंगे। लेट्स गो। ऑल राइट गाइस तो अभी मैंने गेट को हैक करके अनलॉक कर दिया है, फटाफट से कार्ड को निकाल के बैग में डालते हैं और चलते हैं सीधा उस लैपटॉप को हैक करने के लिए। और अभी बस मुझे वहां से बस एक कमांड के थ्रू ट्रेन को यहां पर बुला लेना है, फिर जैसे ट्रेन आएगी अपना काम हो जाएगा। लेट्स गो। ई से हमने कॉल कर दिया ट्रेन को, अब यहां से हम लोग जल्दी से बाहर निकलते हैं। खैर जो भी हो इसने पैंस की डंग मारने की कोशिश कैसे करी मेरे को, मुझे लग रहा था बेहोश हो जाएगा एक गुस्से में। चलो ठीक है अभी फिलहाल मैं इस जगह से बाहर आ चुका हूँ, अब फटाफट से उस जगह पे चलते हैं जहां पर ट्रेन आने वाली है। अब यार देखो सीधी सी बात है, जो लोग यहाँ पर वेपन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं वो लोग मुझे नहीं जानते होंगे, बट जब वो लोग मुझे यहाँ पर देखेंगे
तो पक्का वो लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन ये बात मुझे मालूम है तो मैं पहले से अलर्ट हूँ, जैसे ही वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे उससे पहले मैं उनको निपटाऊंगा और सारे वेपन्स लेकर यहाँ से फटाफट भाग जाऊंगा। भटा, ये जगह मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है, ट्रेन यहीं पर आकर रुकने वाली है तो मुझे भी जल्दी से इसी के नीचे चल के छुप जाना चाहिए। यहाँ पर ब्रिज के नीचे तो वो मुझे किसी कीमत पे नहीं देख पाएंगे। लेट्स गो, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और यहीं पर रुक जाते हैं जब तक ट्रेन नहीं आती। यहीं पर खड़े होकर मैं ट्रेन का वेट करने वाला हूँ। तो चलो यार, फिलहाल पूरे के पूरे 2 घंटे वेट करने के बाद ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है। मैंने अपने वेपन्स बाहर निकाल लिए हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम आराम से फुल शांति बना के यहाँ से ऊपर चलना होगा। और ये भाई साहब बंदा यहीं पर खड़ा हुआ था, उसने मुझे बाहर निकलते ही देख लिया है और अब तक तो शायद सबको मालूम पड़ गया होगा कि मैं किस साइड से आने वाला हूं। भाई इनके पास सच्ची में बहुत ज्यादा तगड़े वेपन्स हैं और उन्होंने मेरे को मारना स्टार्ट ना भी, खैर मार तो नहीं पाया, पीछे से चलती रही, कितनी ज्यादा दूर था। बट हम लोगों ने अपनी ये डेजर्ट ईगल से नहीं, इसको गोल्डन कट्टा बोलते थे ना, अपना कट्टे से हमने इसे उड़ा डाला है। बाकी वेट वेट वेट, कौन मार रहा है यहाँ पर? शायद से 1-2 लोग ही बचे हैं बट मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। रुक जाओ, इस तरफ में है ना, इधर है तेरी, निकल भाई। भाग के जा रहा था पीछे छुपने के लिए बट उससे पहले मैंने इसका सेरी फोड़ डाला। लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं अंदर। और ये रहा इसके पास बढ़िया वाली गन्स, यही सारे वेपन्स आज हमें मिलने वाले हैं। ये तो काफी ज्यादा हैवी है भाई, ये बिल्कुल M249 या फिर उससे ऊपर का ही कोई वेपन है। फिलहाल अभी मुझे इस कंटेनर को कट करके ओपन करना है। लेट्स गो, ये हो गया कट और ये हो चुका है कंटेनर ओपन। अब चलते हैं जल्दी से इसके अंदर। पता नहीं यार आखिर कौन कौन से वेपन्स मुझे इसके अंदर से मिलने वाले हैं। खैर कोई ज्यादा खास वेपन्स नहीं है जो मेरे हाथ में है ना, इसी की पूरी 3 पेटियां हैं। बाकी यहाँ पर ये गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं क्या? तो गाइस अभी मैंने खूब सारी गन्स उठा के अपने बैकपैक में डाल दिया है और यहाँ पर जितना भी गोल्ड था ना वो भी मैंने सारा अपने बैग में भर लिया है। फिलहाल अभी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। बट वेट, ये पुलिस को कैसे मालूम पड़ गया भाई? और वो लोग अपना हेलीकॉप्टर लेकर भी यहाँ पर आ चुके हैं बट मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। मेरे पास ये बहुत ज्यादा खतरनाक वेपन है बट सामने बहुत ज्यादा खतरनाक हेलीकॉप्टर, एक नहीं दो दो तीन तीन हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ गए। मुझे अभी फटाफट यहाँ से निकलना होगा, मेरी बाइक सामने खड़ी है, मैं खाली पीली नहीं लड़ने वाला, मैं चुपचाप से यहाँ से भाग सकता हूँ। अगर मैंने इनसे लड़ने की कोशिश करी तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे को अपनी बाइक भगानी है क्योंकि मैं चाहता हूँ ये लोग मेरा फेस भी ना देखें भाई, आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इससे। लेट्स गो, हटा हुए गाड़ी आगे से, आगे चला रहा था, गोली मार के साइड कर दिया है। यार उधर से पुलिस आ रही है, नीचे अजीब सा रास्ता है, मैं कहाँ को जाऊंगा मुझे सच्ची में कोई आइडिया नहीं है। सामने भी गाड़ियाँ आ चुकी है। वेट, मैं बहुत गलत रास्ते पे आ चुका हूँ, मुझे मेन हाईवे पकड़ना चाहिए, वहाँ पर मैं अपनी बाइक बहुत तेज चला सकता हूँ। ऊपर ट्रेन जा रही है और नहीं यार ये कहाँ लेकर आ चुका हूँ मैं अपनी बाइक। लेट्स गो, तो अभी ना मैं जैसे तैसे करके अपनी बाइक को हाईवे पर लेकर पहुंच चुका हूँ और यहाँ का रास्ता पूरा क्लियर है। अब बस इसे फटाफट से भगा लेते हैं लॉस सैंटोस के लिए, क्योंकि अगर मैं एक बारी वहां पहुंच गया तो फिर हम लोग इजीली एस्केप कर जाएंगे पुलिस से। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम मेरी बाइक बहुत ज्यादा तेज स्पीड में चल रही है और मैं इसे लेके लॉस सैंटोस पहुंचने वाला हूँ। पीछे अब जो भी बंदा आ रहा है ना, चल तेरी भाई, 2 से 3 बंदों के शॉटगन का हेडशॉट बजा डाला है ये भी का। और भाई साहब क्या निकाली है मैंने, बिल्कुल अचानक से उनका ट्रक मेरे सामने आ गया था। बट ठीक है, वापस से अपनी बाइक की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वहां पे ब्रेक मारने के चक्कर में स्पीड बहुत कम हो गई थी। हाईवे पे चलाऊंगा तो नहीं यार, मैं बाकी रास्तों पे चलाऊंगा तो पक्का एक्सीडेंट होने के भी तो चांस है ना। फिर बाकी मुझे ना अभी कोई एक बढ़िया सा रास्ता ढूंढना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि यार हाईवे पे मैं तो तेज जा रहा हूँ बट ये पुलिस वाले भी यार उतनी ही तेज मेरा पीछा कर रहे हैं। सामने की तरफ में मुझे एक मस्त जगह मिल चुकी है जहाँ से भाई मुझे वहां से निकलना था बट इसने गाड़ी मोड़ने नहीं दी मेरे को। ठीक है, अभी आगे मेरे को एक जगह और मिल गई है जो मैं करना चाहता हूँ, वो यहाँ पर से पॉसिबल हो जाएगा। 3-2-1 लेट्स गो। तो ये मैं अपनी बाइक नहीं गलत जगह ले आया यार, मुझे इधर नहीं बाहर जाना, हटो बे, मैं मुंह फोड़ दूंगा तुम्हारा। यहाँ से मुड़ो भाई, गलत जगह चला गया तो सच्ची में अगर दीवार में जाके अपनी बाइक ठुकती ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। खैर ठीक है, ये गलत ले आया यार, तब चौड़ा रोड होने के बाद भी मैं अपनी बाइक को इन गलियों में क्यों चला रहा हूँ। प्लीज ये गली आगे बच गए, गली आगे कहीं पर भी बंद नहीं है बट सामने लेट्स गो, ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर नहीं है ना, प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए। पता चला मैं जा रहा हूँ फुल मजे में और ये मेरे ऊपर से बरसा दे गोलियाँ। ठीक है, अपनी बाइक को भी यहाँ से उतारते हैं। ये वाला रास्ता पूरा क्लियर है बट हेलीकॉप्टर को बहुत अच्छा व्यू मिल जाएगा हमें मारने के लिए, तो मुझे भाई यहाँ से
कोई ढंग का रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। हाईवे पे जा रहा हूँ मैं वापस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली जगह है यार ये भाई, कहाँ जाऊँ मैं, पूरा फंस चुका हूँ इस टाइम सच्ची में। ओ भाई बाइक का आगे वाला टायर गया यार, ये बहुत ज़्यादा गलत हो चुका अपने साथ। काफ़ी सही चल रहे थे हम लोग, बट इन्होंने बाइक का आगे वाला टायर ही पंचर कर दिया है। टायर पंचर होते ही टायर पूरा गायब हो गया भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी मैं कहाँ जा सकता हूँ यहाँ से। प्लीज़ कोई तो रास्ता होगा मेरे बचने के लिए। गए अभी अपनी बैंड बजी, प्लीज़ 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 चढ़ जाइए। ओ चढ़ गई, धीरे धीरे चढ़ रही है यार, पूरा टायर ख़त्म हो गया। एक होता है ना जो रबड़ होती है टायर की, वो भी जा चुकी है घिस के। और अभी मैं गया भाई सच्ची में, ये मेरे को बहुत बुरी तरह अरेस्ट करेंगे, हो सकता है एनकाउंटर ही कर डालें यहाँ पर। बट नहीं, हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे अपने। मेरे को बस एक 5 मिनट मिल जाए लेस्टर को कॉल करने के लिए, वो मेरे को बचा लेगा, मुझे अच्छे से मालूम है। नहीं यार, ओ भाई ऊपर से हेलीकॉप्टर, मुझे वेट, बच जाऊंगा। अभी ना मुझे यहाँ पर पुलिस देख पाएगी, ना मुझे यहाँ पर हेलीकॉप्टर देख पाएगा, और मैं काफ़ी ज़्यादा सेफ हूँ। बट मैं घुमा फिरा के वापस वहीं जा रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ कहाँ ले जा रही है मुझे यार, यहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी है क्या आगे? प्लीज़ यार, ऐसे खुला भागूंगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कोई गाड़ी मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो मुझे 3 मंजिल ऊपर से कूदना पड़ेगा, और मेरे पास पैराशूट भी नहीं है। और पैराशूट होता भी तो यार इतनी जल्दी वो खुलता नहीं, उसको भी खुलने के लिए टाइम चाहिए होता 2-3 सेकंड का। और कूदूंगा तो 2 सेकंड, खैर अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, ड्रामेबाजी कम करनी है अब बस मुझे एक। वो सामने से गाड़ी आ रही पुलिस की। नहीं 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 मैं हुई नहीं यहाँ पे, वेट तेरी मैं इसके टांग। अब मार भाई, सब भर के आ रखे हैं इसमें बंदे। फाइनली गाड़ी मिल चुकी है, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठते हैं। और भाई साहब एक गाड़ी में 4-4 बंदे भरे पड़े हैं, मुझे लग रहा था 2 होंगे। क्या ठीक है, गाड़ी मिल चुकी है, अब फटाफट हम लोग यहाँ से एस्केप करते हैं। बट सामने भी इन्होंने रास्ता घेरा हुआ है, बट मैं निकालूंगा। अभी मेरे को टेंशन लेने की जरूरत है क्योंकि इन्होंने मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया भाई। अभी ये ढंग से कंट्रोल नहीं होने वाले, गलत ही सीन हो रहा है यार आज अपने साथ। कितनी देर से ये लोग मुझे चेस कर रहे हैं, और पीछे ओ एक और टायर, ओ तेरी 2 से 3 टायर पंचर कर दिए शायद यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी गाड़ी के, ये देखो आगे वाला तो टायर ही चला गया, अभी बस पंचर हुआ था अब दोनों टायर चले गए। खैर ठीक है, अपनी गाड़ी बस 2 टायर पे चल रही है, राइट अच्छे से मुड़ जाएगी, बट लेफ्ट नहीं मुड़ने वाले क्योंकि लेफ्ट साइड की बैंड बच चुकी है। फटाफट से मैं लेस्टर को कॉल करता हूँ अपना। आई नहीं लेस्टर भाई, जल्दी से बस फोन उठा ले, अपना काम आसान कर जाएगा भाई तू। तो गाइस अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से कॉल पे बात हो चुकी है, और उसने मुझे एक जगह बताई है मस्त छुपने के लिए। बट एक बारी आप लोग गाड़ी के नीचे देखो भाई, पेट्रोल लीक हो रहा है, थोड़ी देर में ये गाड़ी चलना बंद हो जाएगी। उससे पहले मैं खुद इस गाड़ी से उतर जाता हूँ। पीछे की तरफ में 2 लोग आए हैं, पैंस की टांग, गाड़ी छोड़ो ये वाली, लेट्स गो। अभी एक मस्त गाड़ी गई तो एक मस्त गाड़ी मिल चुकी है, जल्दी से ना इसको लेकर मैं छुपा देता हूँ इस गाड़ी को। लेस्टर ने मुझे कहा था कि अगर कोई पुलिस वालों की गाड़ी है तो उसमें भी हम लोग GPS वगैरह ऑफ करके कहीं पर छुप सकते हैं। बाई चांस अगर हमें पुलिस देखने भी आई तो उसको लगेगा यहाँ पर तो पुलिस की गाड़ी खड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हम लोग इजीली एस्केप कर जाएंगे। खैर अभी मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पर लाकर छुपा दिया है, बस कोई यहाँ पर आए ना अब हमें ढूंढने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं पिछले 1 घंटे से इसी जगह पर छुपा हुआ हूँ, बट पुलिस जो है यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही, उन्हें अच्छे से मालूम है कि उनका टारगेट यहीं पर छुपा हुआ है। खैर पहले यार इसको गाड़ी से बाहर निकालो, पता चला इसको होश आ जाए और ये पिस्टल निकाल के हमें ही ठोक डाले। तो लेस्टर ने भी मुझे बोला ज़्यादा देर तक वहाँ पर मत रहो, बाई चांस अगर उन्होंने वो टीम बुला ली चेकिंग के लिए या फिर एरिया पूरा ब्लॉक कर दिया तो हम लोग फंस जाएंगे। अभी इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम लोग पुलिस की गाड़ी में, चाहे तो जल्दी से भगा के एस्केप कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस की गाड़ी पर पुलिस का ध्यान इतनी जल्दी नहीं जाएगा। ऊपर का रास्ता मुझे काफी क्लियर दिख रहा है, कोई भी गाड़ी नहीं है, मुझे सीधा भगा लेना चाहिए। 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। गई गाड़ी अपनी, और नहीं इतनी तेज भी नहीं जाने वाला था जितना मैंने आवाजें निकाल दी, बट हाँ रास्ता क्लियर है। ओके भाई, ओ वेट नहीं जा। ओके बच गए भाई, ये लोग यहाँ पर हैं तो शायद से उसने मुझे देख लिया है, बट वो डाउट में ही होगा बेचारा कि आखिर ये कौन चला गया बगल से, मालूम ही नहीं पड़ा अंदर कौन था। लेट्स गो, अभी मैं यहाँ से एस्केप कर चुका हूँ, अब फटाफट से मुझे किसी एक बढ़िया सी पार्किंग, किसी गैराज में जाके छुपना चाहिए। नियरली तो मुझे एक यही बड़ी सी पार्किंग नजर आ रही है, फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर इसी के अंदर चलते हैं। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने लिए एक 5-स्टार पार्किंग ढूंढूं फिर वहां पे जाके अपनी गाड़ी को लेकर छुपूं। चुपचाप अभी सीधा टॉप फ्लोर पे चल के बैठते हैं। क्या यार कैसा टाइम आ चुका है, वेपन्स लेने के लिए इतना ज्यादा झमेला पालना पड़ रहा है,
कसम से ये डगन बॉस ने ना पूरा गलत ही सीन कर दिया लॉस सैंटोस का। बट हाँ, फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सेफ हूँ, मीन्स अभी मैं थोड़ा बहुत सेफ फील कर सकता हूँ, बट मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ से नहीं निकलने वाला। तो भाई अभी वेट करते करते शाम बीत चुकी है और रात होने को आ गई है, शायद से अभी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। बाहर मामला मुझे बिल्कुल शांत लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी पुलिस यहाँ पर ढूंढ रही होगी। फिलहाल हाँ, अभी मैं पुलिस की गाड़ी से ही नीचे चलता हूँ, उसके बाद नीचे जाकर मैं कैब बुक कर लूँगा और सीधा मैं जाने वाला हूँ अभी। ओ ओ वेट भाई, अभी मैं बहुत बुरी तरह ठुकता। हाँ, तो अभी मैं यहाँ से सीधा जाने वाला हूँ अपनी रॉल्स रॉयस के पास, जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम खड़ी करी थी। उसके बाद उसको लेके जाएंगे कुछ ढंग के कपड़े खरीदने, कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो चुके हैं, इसमें बहुत ब्लड लग गया है। लेट्स गो गाइस। तो अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से बाहर आ चुका हूँ, बस 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 और बाहर नहीं जाना। अब अपनी इस गाड़ी को यहीं पर छोड़ देते हैं। मेरा मन तो कर रहा है मैं ब्लास्ट कर दूं, बट इतनी भी ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जीपीएस वगैरह सब लेस्टर हैंडल कर लेगा। अभी फटाफट से कॉल करते हैं किसी कैब को, आसपास अगर मिल जाएगी तो ज़्यादा बड़े। और ये देखो भाई, अभी हटाई हूँ और पुलिस आ गई है सामने से, पर अभी इतनी कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं है। आजा भाई कैब प्लीज़, जल्दी कोई आसपास। ओके ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने कैब बुक कर दिया 5-10 मिनट। उतरी सामने से एक आ तो गई है, हेलो आजा। ओके आ गया। ओ तेरी, उसको ठोक भी दिया किसी बंदे ने, बट ठीक है अभी हमें गाड़ी मिल चुकी है। अभी जल्दी से चलते हैं वहीं पर जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क थी रोल्स रॉयस। चलो अभी मैंने इसको रास्ता बता दिया है मैप में वे पॉइंट मार्क करके, और अभी मुझे जल्दी से जल्दी वहां पर लेकर पहुंचने वाला है। ऑल राइट, तो अभी इसने मुझे मेरी फाइनल डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया है। बाकी बेचारा कह रहा होगा यार कैसा आदमी था, एकदम मस्त कपड़े वपड़े पहन कर आया था, पर अजीब सी लोकेशन पर ही आया, उसको मैं रेलवे ट्रैक पर से चलवाता लाया हूँ। बट ठीक है जो भी हो, अभी फटाफट से चल के हम लोग बैठते हैं अपनी गाड़ी में, और अभी मैं जाने वाला हूँ एक बढ़िया सा सूट खरीदने के लिए। ब्लैक कलर का कोट पैंट मैंने प्लान कर रखा है, तभी तो फुल माफिया वाली बातचीत आने वाली है ऐसे थोड़ी। वेट, वो सब ठीक है, गाड़ी कहाँ से बाहर निकलेगी अपनी, यहाँ जगह है ना, प्लीज। ओके लेट्स गो, यहाँ से गाड़ी मैंने जैसे जैसे करके बाहर निकाल दिया है। रात होने को आ गई है काफी ज्यादा, बट आगे के रास्ते बंद है। मुझे लग रहा है ना जिस रास्ते से वो टैक्सी वाला गया है ना, उसी रास्ते से भी मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के भी रास्ते हैं बट कोई ढंग का रास्ता नहीं है। कहाँ हम लोग इस गाड़ी को दिन में एकदम बढ़िया बढ़िया जगह पर चला रहे थे, और अभी शाम होते होते पूरी गाड़ी गंदी कर दी है, अजीब अजीब रोड पे चला के, कभी पटरी पे चल रही है, कभी कीचड़ में चल रही है। वो सब ठीक है, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि यार पार्टी का टाइम था 6 PM और अभी 7 बजने वाले हैं, तो हमारी पार्टी हमारे घर में ही और हम ही लेट हो गए हैं, जल्दी पहुंचना होगा यार। ओके, तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर एक बढ़िया सा सूट खरीदने कपड़ों की शॉप पे पहुंच चुका हूं। जल्दी से साइड में पार्क करते हैं, भाई टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी सब करना होगा, गाड़ी आराम से बाद में पार्क कर लेंगे, अभी जल्दी से चलते हैं अंदर। फिलहाल ये जो बैग में जितने वेपन्स हैं मैं अपने पास रख लेता हूं, और इस बैग को भी पैक करके अपनी गाड़ी में ही डाल देते हैं। ब्लैक सूट राइट साइड में होगा, जल्दी से चल के, ये टक्सीडो है, ये काफी ज्यादा सही लग रहा है, मैंने यहीं से इसे ढूंढ लिया और यही मुझे चाहिए। वेट, मैं पहले सोच के तो यही आया था, बट अभी मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेरे पास दो ऑप्शन है ब्लैक में, एक ये है और एक ये है, मेरे हिसाब से ये वाला ज्यादा बेटर है। ओके, तो सूट तो एकदम मस्त हो चुका है, अब बस ना बढ़िया से गॉगल्स अगर अवेलेबल हो तो मजे आ जाएंगे। मुझे लग नहीं रहा यहाँ पर शायद से कि कोई भी ग्लासेस अवेलेबल हैं। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जल्दबाजी में गलत ऑप्शन चूज कर लिया है, यहाँ पर और भी बढ़िया बढ़िया 3-4 सूट हैं, इसे ट्राई करते हैं। ये देखो यार कितना बढ़िया है, ये व्हाइट वाला भी प्यारा लग रहा है, बट अगर ये वाला ब्लैक लिया जाए तो सबसे बेटर रहेगा। चलो यार सब कुछ हो गया, अभी फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं और सीधा चलते हैं पार्टी में, क्योंकि मैं और लेट नहीं होना चाहता किसी भी कीमत पे। जल्दी से चल के बैठते हैं गाड़ी में, लेट्स गो। भाई साहब क्या बात हो गई, पूरे का पूरा लॉस सैंटोस आज के दिन मुझे खाली नजर आ रहा है। तो चलो गाइस, अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर अपने नए वाले घर पे पहुंच चुका हूँ, फटाफट से इसको यहाँ से लेफ्ट मोड़ते हैं। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार इतनी बड़ी डेकोरेशन टीम यहाँ पर आई थी, पर अपना घर बिल्कुल भी सजा हुआ नहीं है यार, ये क्या सीन है मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओ वेट, सामने की तरफ में देखो, वहां पर एकदम मस्त पटाखे जल रहे हैं। ओ, हमने डेकोरेशन का काम लेस्टर को दे दिया था, इसीलिए उसने पूरे डेकोरेशन घर के गार्डन में करवा दिया। खैर ठीक है, पार्टी करने का असली मजा यार घर के बाहर आने वाला है, ऐसे कमरों में थोड़ी। तो जल्दी से अपनी गाड़ी को अभी घर की फ्रंट साइड पर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि अंदर से बहुत तेज गानों की आवाज आ रही है। लेट्स गो, मजा आने वाला है भाई आज इस पार्टी में। ये फर्स्ट पार्टी होगी जिसमें मैंने इतने सारे लोगों को बुलाया, भाई कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पर आ रखी है, राइट में भी लेफ्ट में भी, पार्किंग थी इस घर में, बेचारे घर के बाहर गाड़ियां पार्क कर रहे हैं।
बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग भी अपनी गाड़ी को जल्दी से यहीं पर खड़े करते हैं। गाइस, मेरे हिसाब से जितने गेस्ट को मैंने बुलाया था ना, वो सारे के सारे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं ही सबसे ज्यादा लेट हो गया। फिलहाल अभी जल्दी से चलते हैं अंदर। ओ भाई, यहाँ पर तो स्पेशल डांसर्स बुलाए गए हैं और डीजे भी काफी ज्यादा बढ़िया लगा हुआ है। बट अभी इन लोग को डांस करने देते हैं, पहले सबसे मिल लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डांस करेंगे। और लो भाई, आते ही हमें लेस्टर मिल चुका है और लेस्टर के फ्रेंड्स मिल चुके हैं हैकर। ये लोग अपना अलग ही ग्रुप बनाकर यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो चलो यार, अभी लेस्टर और उसके दोस्तों से मिलने हैं। अभी फटाफट से चलते हैं बाकी लोगों से मिलने के लिए। सामने की तरफ में शायद से बिग माफिया का भाई भी, लेट्स गो। मैंने वैसे हर एक बंदे को इन्वाइट करा था, बट मुझे आइडिया नहीं था कि ये आने वाला है। मेरे को लग रहा था इसके और भी बड़े प्लान होंगे आज के दिन, बट ये आया भाई टाइम निकाल के। हेलो ब्रो, व्हाट्स अप। ये छोड़ो भाई, राइट साइड में अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड भी आया है और साथ में अपना पुराना दोस्त आया जिसको हमने कॉनिसेग अगेरा कार बेची थी। तो इनसे भी मिल लेते हैं, थोड़ी देर बातचीत करेंगे बाकी अच्छे से बाद में। तो चलो यार, अभी मेरी इनसे भी हाय हेलो हो चुकी है। बाकी पहले सभी लोगों से मिल लेते हैं, फिर उसके बाद फुल मौज मस्ती करने वाले हैं। खैर वो सब ठीक है। एक बार आप लोग सामने की तरफ में देखो कि इन लोगों ने अपना घर कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से डेकोरेट करा है। सामने क्या बढ़िया लग रहा है, वो 2022 लिखा हुआ। लेट्स गो। खैर सब ठीक है, यहाँ पर अपने सारे डोन बैठे हुए हैं, उस तरफ में हैकर्स का अलग ग्रुप बना हुआ है, इधर सारे डांसर्स हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह खींच रही है। बट ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार माइकल की फैमिली कहाँ है यार, उन्हें भी इन्वाइट करा था क्या। ओ नहीं, सामने जिमी है, तो इसको मैंने नोटिस ही नहीं करा, ये यहीं पर खड़ा हुआ है। ये कभी पतला नहीं होने वाला भाई, मतलब भर के साइकिल चलाएगा फिर भर के फास्ट फूड भी खाएगा, तो कहाँ से ही पतला होगा। खैर मैं इन्हें इधर उधर ढूंढता फिर रहा हूँ और माइकल की फैमिली यहाँ पर है। लेट्स गो, जल्दी से इन लोग से भी मिलते हैं, फिर चलते हैं अपने बाकी दोस्तों से मिलने के लिए। ओके गाइस, तो अभी इन लोगों से भी मिलनी है और एक मस्त फैमिली फोटो भी हो चुका है। खैर आज अगर देखा जाए ना, तो मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, या तो बहुत जोरों की बारिश या फिर स्नोफॉल आज भाई कसम से पक्का होने वाली है। फिलहाल अभी बहुत फोटोज खिंचवा ली, चलते हैं एक VIP गेस्ट से मिलने के लिए, जिसको यार मैंने इतनी देर से नोटिस ही नहीं करा था। अगर नोटिस करा तो सबसे पहले मैं इसी से मिलने जाता। शायद से आप लोग इन्हें पहचान गए होंगे, ये हैं अपने मूवी प्रोड्यूसर मिस्टर सोलोमन रिचर्ड्स, जिनके साथ जो हमने मूवी करी थी वो रिलीज नहीं हो पाई। बाकी उनके साथ में है सोलो मैन, दोनों के नाम काफी सिमिलर है, बट ये म्यूजिक प्रोड्यूसर है एंड ये मूवी प्रोड्यूसर है। तो जल्दी से इनसे भी अपनी बातचीत करते हैं और फिर चलते हैं और लोगों से मिलने। ऑलराइट गाइस, तो अभी मेरी सोलोमन रिचर्ड्स से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि तुम्हारा ये इतना बड़ा घर है बट इस घर में एक हेलीपैड तक नहीं है। खैर बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, हेलीकॉप्टर से आया होगा और बेचारे को यहाँ पर नीचे गार्डन में पार्क करना मींस लैंड कराना पड़ा। खैर अभी मैं आप लोग को जो चीज दिखाने जा रहा हूँ उसको देख के आप लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाले हो। तो यहाँ पर अपनी ये सारी की सारी गाड़ियां हैं जो कि मैंने लमार से मंगवा ली थी, बट मैंने इसे कहा था अपनी बढ़िया बढ़िया कार्स लाई और ये सारी की सारी कार्स यहाँ पर लेकर आ चुका है। खैर सारी ही बढ़िया ये। वेट, यहाँ पर तो बेनी एंड सिमोन भी है, इनसे भी मिल लेते हैं भाई। ये तीनों लोग यहाँ पे अपना मस्ती कर रहे हैं, इनसे भी मैंने बातचीत कर लिया है। बाकी यार ये अपनी लंबोर्गिनी और उसका क्या हाल कर दिया भाई लमार ने, मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद से रेस वेस करने लग गया इस गाड़ी को लेकर। बाकी पीछे अपनी फरारी है, ये अपनी मर्सिडीज AMG कौन सी थी, मैं तो उसका मॉडल भी भूल गया। खैर छोड़ो, ये अपनी हार्ले डेविडसन, लंबोर्गिनी सियान, पीछे वो माफिया वाली कार जो लिबर्टी वाले फ्रेंड को देखकर हमने बनवाई थी, और ये रही अपनी G-Wagon। बट ठीक है यार जो भी है, एक चीज मेरे को थोड़ी सी ना अजीब लग रही है, VIP पार्टी में यार भीड़ नहीं रहती ना, तो एक पार्टी वाली फील आती नहीं है। नेक्स्ट टाइम पार्टी करेंगे ना, तो पार्टी पब्लिक पार्टी होगी, बाहर का हर एक बंदा आएगा, मतलब इनवाइटेड नहीं होगी, जिसको आना है आओ, बट उसमें रिस्क है अगर बाय चांस कोई गलत बंदा घुस आया हमें मारने की साजिश से, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पब्लिक पार्टी के लिए पब्लिक सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा चाहिए होगी यार। खैर अभी चलकर जल्दी से खूब मस्ती करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि आज के दिन बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, अभी लिटरली हर एक बंदा यहाँ पर स्टेज पे डांस करने के लिए आ गया है। पीछे लिबर्टी वाला फ्रेंड है, बिग माफिया का भाई तक डांस कर रहा है, बेनी लेमार सिमोन, इधर माइकल की फैमिली, लेफ्ट में लेस्टर। बट हाँ वो बात अलग है, सिमोन घर चला गया है और अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड इस पार्टी में ही नहीं है, ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन। बट हम और कुछ कर भी नहीं सकते, फिलहाल अभी इंजॉय करते हैं। काफी ज्यादा रात हो चुकी है, 3 बज रहे हैं और स्नोफॉल हो रहा है और ये पार्टी अभी सुबह तक चलने वाली है। लेट्स गो। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूँ, सभी लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। खैर वो लोग तो सुबह 8 बजे चले गए थे और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं यहीं पर सो गया था अपना पार्टी डांस करने के बाद, क्योंकि काफी सही धूप निकल रही थी, बट अभी अचानक से स्नो तो गिरने लग गई है दिन के टाइम पे, प्लस बहुत तेज हवा भी चलने लग गई है,
तो मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसलिए चुपचाप से अपने घर में ही चल के सोते हैं। माइकल की फैमिली भी अभी घर में ही जा चुकी है शायद। वैसे यार आज पार्टी करके सच्ची में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि जिन जिन लोगों को हमने बुलाया है हर एक बंदा यहाँ पर इस पार्टी को अटेंड करने के लिए आया था। खैर पता नहीं वो लोग माइकल के डर से आए थे या फिर किस लिए आए थे, बट हाँ जो भी है आए थे इसलिए मज़ा आया। बाकी यार अब इतना बड़ा घर है तो यहाँ पर ना सिक्योरिटी गार्ड्स भी हमें चाहिए होंगे, बाय चांस घर में कोई चोरी ना हो जाए या फिर कोई छुप के ना बैठा रहे हमें मारने के लिए। तो उन सब के लिए मुझे इस पूरे घर में मस्त सिक्योरिटी लगवानी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पर मुझे माइकल की फैमिली कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। एक बारी में, एक तो इतना बड़ा घर है यार, ढूंढने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। हॉल में चेक कर लेता हूँ, नहीं यहाँ पर भी कोई टीवी नहीं दिख रहा है। हाँ शायद थक गए होंगे तो सब लोग अभी सोने के लिए गए होंगे। चल के एक बारी देखता हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। भाई सच्ची बता रहा हूँ, इस घर में ना सीसीटीवी कैमरास की भी बहुत ज्यादा जरूरत है यार। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा घर छान मारा, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार ये माइकल की फैमिली गई कहाँ पे। मीन्स ना अमांडा नजर आ रही है, ना ट्रेसी, ना जिमी, कोई भी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। खैर एक बारी मैं घर की बैक साइड में चल के देखता हूँ, वहां पर टेनिस कोर्ट है, क्या पता टेनिस खेलने चले गए हों सारे के सारे। फटाफट से भी चलते हैं बैक साइड पे। मेरा भी काफी ज्यादा टेनिस खेलने का मन कर रहा है, बट वेट, मुझे मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है। भाई ट्रेवर और बाज आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई, ये मेरे हाथ से नहीं बचने वाला। आज मैं कसम से इसको फोड़ डालूंगा, चाहे यहाँ पर कोई भी आ जाए। इसने भी यहाँ पर आकर पूरी की पूरी माइकल की फैमिली को किडनैप कर लिया है और पूरे गार्ड्स लेकर आया भाई यहाँ पर हमें मारने के लिए। मैं चाहूँ तो उसको भी 2 सेकंड के अंदर उड़ा सकता हूँ, बट बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अमांडा को मार डालेगा, इसके गार्ड्स, खैर इसके गार्ड्स नहीं, ये डगन की बॉडी गार्ड्स हैं, वो जिमी को मार डालेंगे और ट्रेसी को भी मार डालेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये चाहता क्या है। अगर ये मारना चाहता तो अभी तक मार चुका होता। इसका पूरा कुछ अलग ही मोटिव है, बता भाई क्या करना चाहता। रुक जा गाइस, अभी मेरी ट्रैवलर से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि तुम अगर अपनी फैमिली को सही सलामत देखना चाहते हो तो 5 मिनट के अंदर जहां पर भी तुमने अंडरवाटर माफिया और फ्रैंकलिन को छुपा के रखा है उन्हें लाके हमारे हवाले कर दो। खैर मुझे अभी इसका ये काम करना ही होगा, तभी मैंने इसके मत्थे से भी एम हटा लिया है। यार कसम से ट्रेवर ने ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा वाला धोखा दे दिया। माइकल की फैमिली वापस आई थी, बट आते ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। बट हाँ उनको बचाने के लिए अभी मुझे इन दोनों को छोड़ना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फटाफट से चलते हैं यार नीचे, वहाँ केज में जल्दी से उसे ओपन करके उन दोनों लोग को वहाँ से निकाल देते हैं। काश यार यहाँ पर लेस्टर होता, मैं चाहता तो हूँ लेस्टर को कॉल करके सब कुछ बता दूँ। बट अगर अभी ये बात मैंने लेस्टर को बताने की कोशिश करी और ट्रेवर के किसी एक गार्ड को भी मालूम पड़ जाए तो भाई माइकल की फैमिली की जान खतरे में, बहुत कुछ गलत हो सकता है। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, फ्रैंकलिन भी यहाँ पर बैठा हुआ और वो तो भाई अपना पुशअप्स करने में मस्त है। गेट खोल देता हूँ और इनको बोलता हूँ कि चलो भाई इनके चलने का टाइम हो गया, लेट्स गो। भाई साहब दोनों भागते हुए ऊपर गए हैं जैसे इन्हें मालूम पड़ा है कि ट्रेवर इन्हें लेने आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन लोग को सब कुछ मालूम था कि ट्रेवर इन्हें सही में बचाने यहाँ पर आएगा। खैर छोड़ो जो भी है, अभी काफी ज्यादा बुरा हुआ यार, इस टाइम अपने सबसे बड़े दोस्त ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। खैर छोड़ो जो भी है, अभी जल्दी से मैं ट्रेवर के पास चलता हूँ और उसको बोलता हूँ कि भाई अब चुपचाप से फैमिली को भी भाई छोड़ दे, क्योंकि अभी इसके बंदों को तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, अभी यहाँ पर इसको फैमिली को छोड़ना भाई बनता है यार। तो अभी ये लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं, काफी ज्यादा परेशान है और कह रहे हैं कि अगर ऐसे चलता रहा तो ये लोग इस घर में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले, और अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ भी तो ये लोग परमानेंटली यहाँ से चले जाएंगे। यार अभी ना मुझे लेस्टर को कॉल करना चाहिए और सब कुछ बताना चाहिए। भाई क्या यार, ट्रैवर सबको लेकर अभी यहाँ से चला गया है, मेरे को समझ नहीं आया। ट्रैवर हमें मारना तो नहीं चाहता था, उसने बस ये मुझे डराने के लिए करा। अगर उसे मारना होता तो उस टाइम मैं वहाँ सो रहा था, वो मुझे तभी मार सकता था, बट उसने पहले पूरी फैमिली को किडनैप करा डराने के लिए, फिर उसके बाद इन दोनों को छुड़वा लिया। पक्का उसका कोई ना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्लान है। बट हाँ मुझे इतना मालूम है कि हमें मारने के लिए नहीं है, ट्रैवर मुझे तो नहीं मारना चाहेगा, बट जहाँ तक है कुछ पता नहीं यार। अभी सारी बातें हमें लेस्टर से ही मालूम पड़ने वाली है, जल्दी से लेस्टर को कॉल करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। बाकी यार आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाके जरूर लाइक करना, चैनल भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और वेट, लास्ट वाली वीडियो पे आप लोगों ने लाइक गोल जल्दी से कंप्लीट कर दिया था, तो इस बार भी लाइक गोल कंप्लीट करना है। लाइक एम है 1.5 मिलियन लाइक का, तो जल्दी से जाके सभी लोग लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो एंड कमेंट्स में जाके जरूर बताना यार वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड
बाय।